हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। तो सुबह से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया, बस मैं सूट पे प्रेस करूंगी क्योंकि नहाने जाना मुझे अभी। बस मैं अब उठी हूँ, सबसे पहले नहा के आऊंगी, उसके बाद करूंगी बाकी के काम। तो एक सूट पे प्रेस कर रही हूँ मैं, बाकी और भी कपड़ों पर प्रेस करनी है मुझे, लेकिन बाद में कर लूंगी। और बस नहा के आने के बाद मुझे काम करना था अंदर से, तो मैं सारा दोनों रूम अच्छे से संभाल के आ गई, सारी चीजें अरेंज कर दी। अब ये जीना साफ करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना जूते चप्पल वगैरह रख देते हैं, तो वो एक साइड में रख दूंगी क्योंकि सामने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं ना जब सफाई करती हूँ तो यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि आने जाने का रास्ता ना तो साफ दिखना चाहिए और खाली रहना चाहिए। तो ये अखबार है, ये भी उठा के रख दूंगी, और थैला ना ये बिल्कुल सामने रखा है, इसमें मैं अखबार इकट्ठे करके रख देती हूँ, तो वो रद्दी को देने के हैं ना, तो उन्हें साइड में रख देती हूँ। और अभी मुझे लगाना है पोछा, लगाने की सोच रही थी मैं, पर पोछा नहीं लगाऊंगी मैं, सीधा ना धुलाई कर दूंगी, क्योंकि पोछा लगाने से आसान ना धोना लगता है मुझे गर्मी के टाइम में, क्योंकि जल्दी सूख भी जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ पोछा लगाऊंगी, बार बार पोछे को धोऊंगी, इससे अच्छा पानी डाल के फटाफट वाइपर से साफ कर दूँ, और उससे ना जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी लगता है मुझे, और सफाई भी पोछे से कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और बीच बीच में मुझे तेजू परेशान कर रहा था, ये वीडियो में आ रहा था ना, और कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, फिर मैंने इसे कहा जब बनियान उठा के लिया तो, और वो पहना, और कभी बाल्टी में बैठ रहा था क्योंकि ये बहुत देर से कह रहा था मुझे आंटी नहला दो नहला दो, और पानी जब ये देखेगा ना कि पानी में काम कर रही आंटी, इसे फिर तो जरूर आना, फिर तो इसे कोई मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना, या हम सफाई करें या पानी का काम करें तो ये ज्यादा ही इनको अच्छा लगता है। पता नहीं, गुड़िया भी छोटी थी ना जब ऐसे ही करती थी, जब मैं पानी का काम करती ना तो मेरे साथ साथ पानी में भीग जाती और ऐसे ही काम करती मेरे साथ में। और अब ये तेजू नीचे से आ जाता तो ये भी ऐसे ही लगा रहता, कभी कहेगा आंटी नहला दो, और कुछ भी काम फैला लेंगे ना तो उसमें ज्यादा ही घुसता चला जाएगा, कभी कुछ निकाल लेगा कभी कुछ, बच्चों का होता ही ऐसे, सभी बच्चे करते हैं। तो फिर मैंने इसे बाल्टी में ही बिठा दिया कि तू इसी में बैठ जा, मैं तो दूसरी भर लूंगी और मैं अपना काम करती रहूंगी, तू नहा ले आराम से। तो ये मेरे साथ साथ ही चल रहा था। तो गैलरी तक तो मैं धो के ले आई अंदर से, और दोनों कमरे नहीं धोए क्योंकि सामान रखा रहता ना तो अंदर से धो नहीं पाती मैं, और बेड रखा ना तो बेड मेरा ऐसा है कि उसमें पानी लग गया ना तो उसकी पलाई फूलती है जल्दी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं धोया, बस बाहर बाहर से धो देती हूँ मैं। और बाहर तक धो के भी ले आई मैं, देखो इतना सारा मैंने कर दिया साफ, और गेट पे पानी डाल के अच्छे से गेट भी साफ कर दूंगी, धो दूंगी, धूल जम जाती है ना इस पे भी, तो जब भी मैं धोती हूँ तो इसे कर देती हूँ बीच बीच में साफ। तो बस गेट भी अच्छे से साफ कर दिया, और पूरे में मैं धो के भी ले आई, और वाइपर से भी निकाल दिया मैंने पानी सारा अच्छे से, अब ये सूख जाएगा जल्दी, और उसके बाद फिर एक बार पोछा लगा दूंगी ना सारे में, तो और अच्छे से साफ हो जाएगा। हाँ बस पोछा मुझे ये है कि अच्छे से नहीं लगाना पड़ेगा, बस पैर से या वाइपर में डाल के सारा घुमा दूंगी, क्योंकि बाहर तो अच्छे से धुल गया, कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। और तेजू ने जो स्टेप किया ना आपने देखा डांस का, तो वो कौन सा था आप लोग बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस था वो, उसी पे कर रहा था डांस, तो कमेंट करके बताना अगर जिसके समझ आ गया हो तो। तो मैं देखती हूँ कौन कौन लोग इसे सही गैस करते हैं कि तेजू ने कौन से गाने पे डांस किया था अभी। और जब तक मैंने पूरा धुलाई पोछा सब कुछ अपना कर नहीं लिया ना, तब तक ये पानी में ही घुसा रहा, इसकी मम्मी भी आई थी लेने के लिए, और ना फिर ये उसके बाद चला गया था, पर जब तक मैंने काम किया ना तब तक ये पानी में मेरे साथ लगा रहा, और बहुत नहाता गर्मी में दोनों तीनों टाइम, कभी भी मतलब जब भी इसका मन करता ना नहाने के, अगर 10-15 मिनट भी होंगे ना उसके बाद भी यूँ बोल देगा आंटी मुझे नहला दो। तो बस मैंने पोछा भी कर दिया अंदर से, और गुड्डू की साइकिल ना अंदर खड़ी कर दी थी, क्योंकि मैं बाहर से काम कर रही थी ना, गैलरी में खड़ी होती है तो फिर बीच में डिस्टर्ब होता, तो मैंने वो साइड कर दी थी, और उसे अब उसके बाद मतलब सारी सफाई करने के बाद वापस बाहर खड़ी कर दूंगी। इसे ना मैं बालकनी में लगा देती हूँ साइड में, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है ना, एक साइड में खड़ी रहती है और जगह भी बच जाती है मेरी। तो बस अच्छे से बाहर से सफाई करने के बाद अब मैं करूँगी डस्टिंग, तो ये फिश का वो जो रखा है ना एक्वेरियम वो साफ करना है, और ये टीवी ट्रॉली साफ करनी है, तो यहाँ पर सामान इकट्ठा हो जाता है जो वो मैं देख देख के हटा रही थी,
और थोड़ा सा दाना भी डाल देते हैं फिश को। वैसे तो इन्होंने सुबह डाल दिया था, और ये बड़ी ऊपर आती है जल्दी। अगर ये जैसे ये खोलती हूँ ना मैं इसका डालने के लिए इसका ढक्कन, तो इसे इन्हें ना आवाज़ सुन के पता चल जाता है, तभी ऊपर आती है खाने के लिए दाना। तो चलिए ये भी साफ़ कर देती हूँ जल्दी से, उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो बस मैं जब तक डस्टिंग कर रही थी ना, तो इन्होंने मैंगो शेक बना लिया था, तो वो पीने के बाद मैं आई हूँ किचन में। थोड़ी देर बैठ गई थी और उसके बाद बस मैं किचन में आई, तो मिक्सी साफ़ करके रख दूंगी। दो तीन बर्तन है मेरे, ज़्यादा नहीं है, वो धोने हैं, और खिचड़ी बनानी है मुझे, तो इसे भी है ना क्लीन करके रख देती हूँ साथ के साथ। और ये ना अब काम में आती रहती है, अब गर्मी है ना तो इसे मैं निकाल ली मैंने ये, क्योंकि मैंने उठा के रख रखी थी ये, फिर मैंने सोचा चलो इसका रोज़ यूज होता ना, कोई ना कोई जूस गुड्डू बना ही लेता, कभी ओरियो शेक बना लेता है, बनाना शेक और मैंगो शेक, ये सब गर्मी में ये सारी चीज़ें चलती है। तो फिर मैंने सोचा इसे बाहर ही रख लूँ, बार बार में निकालने के झंझट से अच्छा है इसे साइड में नीचे रख देती हूँ, और काम आती रहती है ये, तो इसलिए मैंने निकाल ली और उसे साफ़ करके भी रख दिया। तो बस अब किचन भी क्लीन कर दूंगी, और बर्तन धोने के बाद मैंने दोबारा अच्छे से की थी, अभी बर्तन भी रहते हैं ना मेरे, तो बर्तन, और मैंने सोचा बर्तन धोने से पहले ना खिचड़ी चढ़ा दूं, वो साथ में बन जाएगी, बनती रहेगी, और फिर मैं अपने बर्तन भी धो लूँगी। तो ये चावल ना टुकड़ा बचा हुआ था वो मैंने दाल में मिला दिया, दाल मेरी आज ना छिलके वाली है, मैं इस बार छिलके वाली दाल लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए छिलके वाली दाल बना। तो चलिए अब खिचड़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, जो भी प्याज वगैरह सब काटनी है वो कर लूँगी। और सुबह नाश्ते में मैंने बनाए थे आज आलू के पराठे, आलू बॉईल रखे तो नहीं थे, फिर मैंने क्या किया रात को ना शिमला मिर्ची आलू बनाए थे, तो उसके आलू निकाल के मैंने पराठे में भर लिए थे, तो पराठे से नाश्ता हो गया था। और फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, साफ सफाई की सारे में, अच्छे से झाड़ू पोछा सब करके काम, उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो अभी बस दोपहर का लंच बनाना है, तो लंच में आज कुछ भी ढंग से खाने का मन नहीं था ना, तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेती हूँ, हल्की सी गर्मी में ना खिचड़ी अच्छी लगती है, खिचड़ी खाने का ही मन करता अब तो गर्मी में, तो खिचड़ी बनाऊंगी। टमाटर भी मैंने काट लिए, और छिलके वाली दाल की खिचड़ी बनाई ना मैंने, तो अच्छी भी बनती है, क्योंकि ना कभी कभी बनाए तो सही लगती है, और छिलके वाली दाल भी खानी चाहिए, क्योंकि छिलके में ना अच्छी मतलब वो होती है ना, ये फाइबर ही होता है एक तरह से, तो खाना सही रहता है। दो तीन टमाटर काटे मैंने, क्योंकि टमाटर इस बार छोटे छोटे लेके आई ना मैं, तो मैंने तीन काट लिए, और दो तीन ही हरी मिर्ची ली है, तो हरी मिर्च में बनाऊंगी, कुकर में बना लूंगी, कुकर में ना जल्दी बन जाता है, क्योंकि कढ़ाई में बनाऊंगी ना तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, खिचड़ी वगैरह ये सब जल्दी बन जाती है ना, तो मैं ज़्यादातर क्या कुकर में ही बनती है खिचड़ी या दलिया कुछ भी हो। तो बस मैंने खिचड़ी को अच्छे से धो लिया, और दोनों दाल चावल मिक्स करके ही धो लिए थे, इसमें तेल डाल दूंगी, और तेल भी ना ज़्यादा ही डल गया था, फिर मैंने कम किया तेल, क्योंकि ना खिचड़ी भी कम ही बना रही थी ना मैं, इतना ज़्यादा तेल सही भी नहीं होता, तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया, और जीरा डालने के बाद इसमें डाल दूंगी प्याज। और कुकर में जब मैं बनाती हूँ ना खाना, तो उसमें मुश्किल हो जाता मुझे फ़ोन मतलब कैमरा दिखाने में, तो ये अचानक से इसमें वो मतलब क्या बोलते हैं स्लेप में दिक्कत होती है, तो इसे मैंने आगे भी किया, फिर भी ना परेशानी होती है बनाने में, तो आधा आधा सा आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, अब इसको ज़्यादा गोल्डन तो करना नहीं है, मैंने थोड़ा ही किया था इसको, अब इसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्ची, तो उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद इसमें मैं डालूंगी और कुछ मसाले जो मुझे डालने होंगे, तो इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया डाला, हल्दी डाली है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मसाला जब पक जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी
खिचड़ी। तो बस मसाले अच्छे से पक गए, अब मैं इसमें डाल दूंगी खिचड़ी। और पता है यहाँ पे ना कैमरा इतना हिट कर रहा था, बार बार में बंद हो रहा था, फ्लैश लाइट भी ऑफ हो रही थी, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। किचन में ना मुझे गर्मियों में दिक्कत आती है वीडियो बनाने में। और देखना फ्लैश लाइट भी ऑफ हो जाएगी अभी। तो खिचड़ी में मैंने डाल दिया नमक, तो नमक को भी मिक्स कर लूँगी और जितना पानी चाहिए ढक के पकने के लिए रख दूँगी। तो चलिए, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।